नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश स्थित बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने विवादित बयान दे दिया है। महबूब अली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज अब खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल तक राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। साल 2027 के चुनाव में संदर्भ में अमरोहा विधायक महबूब अली ने कहा कि 2027 में तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए बयान की काफी चर्चा हो रही है। इसके अलावा महबूब अली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी आरक्षण विरोधी है। अली ने दावा किया है कि संविधान सिद्धांत शब्द सपा में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली का बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता को समझना चाहिए कि मोदी और योगी शेर हैं, शेर अकेले चलते हैं, भीड़ में नहीं। जनसंख्या बल की धमकी ना दें समाजवादी नेता, हम भी कमजोर नहीं है, समझ जाएं वो और उनके नेता। अब ऐसे में इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महबूब अली ने उस दौरान ये बयान दिया है जब यूपी में उपचुनाव सर पर है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट समाजवादी पार्टी देखी जा रही है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस को नीचे गिराते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को प्लस पॉइंट मिल सकता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बयान का फायदा उठाकर उपचुनाव में इस्तेमाल करते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।